नमस्कार दर्शकों, कैन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। अखिल भारतीय डाक सेवक संघ AIGDSU के केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली के आह्वान पर 12 दिसंबर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे डाक सेवकों ने कहा कि उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। देश आजाद होने के बाद भी ग्रामीण डाक सेवक भयंकर त्रासदी भोग रहा है। कमलेश चयन कमेटी की रिपोर्ट आज तक पूरी तरह लागू नहीं की गई, जिसके कारण मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। इनकी प्रमुख मांगों में 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ, कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिश को लागू करना, जैसे 12, 14, 36, 5 लाख ग्रेजुटी, 180 दिनों की छुट्टी को आगे बढ़ाना और नकदी भुगतान करना, ग्रामीण डाक सेवक को SDBS में सेवा निर्वाहन लाभ 3% से बढ़ाकर 10% किया जाना और ग्रामीण डाक सेवक को पेंशन प्रदान करने सहित अनेक मांगे शामिल हैं। सिवनी से राजकुमार पांडे की रिपोर्ट। हम 12 तारीख से के चलो, ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करोगे इसके बाद? लगातार हड़ताल करते रहेंगे। कितने लोग हैं? सिवनी अपने HO के अंतर्गत 500 हैं और हड़ताल पे, और पूरे देश में 2,80,000 है ना, 2,80,000 है पूरे।